ये निर्गुण नैनन सगुण। हृदय में जो विराजमान है, अंदर विराजमान है अंतःकरण में, वो निर्गुण है, और नेत्रों से जिसका दर्शन कर रहे हैं वो सगुण है। भगवती पार्वती अम्बा ने कहा, हे स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि वह ब्रह्म जो है प्रकट भी होता है। हाँ, प्रकट होता है, लेकिन प्रकट कैसे होता है? का प्रकट होता है जब संतों के बीच में हम जाएंगे तो प्रकट होता है। जब हम संतों के बीच में जाकर सत्संग सुनेंगे, संतों से जुड़ेंगे, तो वो प्रकट हो जाता है। इसका एक प्रमाण है भगवान शंकर ने कहा। क्या? महाराज, मनु और शत्रुपा को उस निर्गुण ब्रह्म ने सगुण होकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया कि नहीं दिया? दिया, प्रमाण है। अच्छा, महाराज, मनु और शत्रुपा कहां गए? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में रहते कौन है? 88,000 ऋषि रहते, यानी ऋषियों की सबसे बड़ी भूमि नैमिष है, चित्रकूट है। हमारे पलारी आश्रम से पधारे हैं महाराज, ये बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। महामंडलेश्वर जी का गुरुद्वारा है, गुरु स्थान आपने बताया था, चित्रकूट धाम, पलारी आश्रम। आपने भी चित्रकूट में रहकर श्री कामदगिर भगवान की परिक्रमा की, तप किया है, मां मंदाकिनी में स्नान किया है, अपने गुरुदेव की कृपा को प्राप्त किया है, तब आज भगवत स्वरूप स्थिति में है। फलारी जी महाराज भी गुरुदेव के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा संत सेवा में आपका जीवन व्यतीत होता है, और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव आपके संरक्षण में होते हैं। चूंकि मेरा तो आश्रम कामदगिर पीठ है, वैसे रहता चित्रकूट में कम हूं, भ्रमण में ही रहता हूं, लेकिन हमारे आश्रम से बड़ी अभिन्नता है। हमारे जो उत्तराधिकारी हैं मदन गोपाल दास, वो बहुत जुड़े हुए हैं और पूरे संतों से जुड़े हुए हैं। साधु संतों का जो भी कार्य आता है तो उसमें उनकी भूमिका रहती है, और महात्माओं के प्रति बड़ा आदर का भाव वो रखते हैं, और मेरा भी आदेश है कि साधु संतों की सेवा करो, उनके सम्मान की रक्षा करो और स्वयं सम्मान करो। हमारे राम रूप दास जी महाराज, क्या कहना, साधु संतों से इतना जुड़े हुए हैं कि सदा सेवा में ही रहते हैं। संत मिल जाएं, भगवान का दर्शन हो गया, ऐसा विश्वास रखते हैं। आपके जीवन में भी यही भाव होना चाहिए कि संत दर्शन हो जाए तो उसे भगवत दर्शन में परिणित कर देना चाहिए कि हमें आज भगवान का दर्शन हो गया है, क्योंकि संत भगवान का दर्शन हुआ, भगवत दर्शन। बोलिए संत भगवान की। परमात्मा का दर्शन करना है तो संतों के पास जाओ, निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। बिना संतों के भगवान मिल नहीं सकते, चाहे जितना प्रयास करो। संतों के पास जाओगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। महाराज, मनु राजा हैं, प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, धार्मिक राजा हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन याद रखना बेचैन है। क्यों? भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े यज्ञ मैंने किए हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, बेचैन है। भगवान का दर्शन मिलेगा कहां? भगवान का दर्शन तो संतों के बीच में होगा। इसलिए संत रहते कहां हैं? नैमिषारण्य में। हमें तीर्थ में जाना चाहिए। कौन से तीर्थ में? नैमिषारण्य। बेटे को बुलाया, उत्तानपाद, आंखों में आंसू थे, संस्कारी पुत्र है, प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, आंखों में आंसू क्यों है?
महाराज मनु ने कहा कि बेटा अब मैं राज्य त्यागना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि राज्य को आप छोड़ रहे हैं इसलिए आंसू आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इस राज्य के कारण ही मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है, ये राज्य जो है बाधक बन रहा है। तानपाद जी ने कहा कि ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये राज्य भगवत दर्शन में बाधक है, ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? महाराज मनु ने कहा कि यदि हम प्रभुता पर आकर्षित रहेंगे तो प्रभु पीछे रहेगा, और प्रभुता का राज्य का मतलब है प्रभुता, राज्य का अर्थ क्या हुआ? प्रभुता। महाराज मनु समझा रहे हैं अपने बेटे को, सुन लो तुम भी समझ लो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। महाराज मनु ने कहा कि ये राज्य का मतलब है प्रभुता, प्रभुता के प्रति हमारा आकर्षण है इसलिए प्रभु पीछे है, और जब हम प्रभुता का त्याग करेंगे तो प्रभु के समीप पहुंच जाए, ये प्रभुता ही प्रभु के मिलन में बाधक है। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? ये प्रभुता प्रभु के मिलन में क्या है? बाधक है। ये महाराज मनु अपने पुत्र को समझा रहे हैं। धन्य है वो पिता और पिता की सोच, कौन त्याग करता है संपत्ति का, कौन त्याग करता है वैभव का। लेकिन महाराज मनु कहते हैं मुझे प्रभु चाहिए, इसलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभुता का त्याग करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज बिना धन के यज्ञ नहीं होगा, बिना धन के व्यवस्थाएं नहीं होंगी, बिना धन के हम आपको भी नहीं बुला सकते थे, बिना धन के हम ये प्रबंध नहीं कर सकते थे, भीषण बरसात में ये जो प्रबंध किया गया है वाटर प्रूफ के आपको प्रभावित न कर सके ये बरसात, और सत्संग प्रभावित न हो इसके लिए ये व्यवस्था की गई है, ये बिना धन के क्या संभव? मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रभुता जब हमें प्राप्त होती है तो सम्मान मिलता है। क्या मिलता है जल्दी बोलो? सम्मान मिलता है। हमने यदि उस प्रभुता से अर्जित धन को अगर यज्ञ की सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया, और अपने सम्मान को ताक में रख दिया, और धन वैभव सब कुछ हमने भगवान को अर्पण कर दिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हमने अनन्य भाव से भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और अपना सारा सब कुछ जो मेरे पास है उसको हमने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो याद रखना वह प्रभुता भी प्रभु से मिलाने में परम सहयोग करेगी। इसलिए हमें अपनी प्रभुता को अपने सम्मान के लिए अर्जन नहीं करना चाहिए, अपनी प्रभुता को हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। आज महाराज मनु ने प्रभुता का त्याग किया, सिंहासन का त्याग किया, और सिंहासन का त्याग करके महाराज मनु चल रहे हैं। बोले पर बस राज सुतही नृप दीन्हा, 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 बस राज सुतहि नृप दीन्हा। नारी समेत कवन बन कीन्हा, नारी समेत कवन बन कीन्हा, कवन बन कीन्हा,
करुणता से पुत्र भी प्रभावित नहीं है, पुत्र भी प्रभावित नहीं है प्रभुता से। क्यों? बरवश मानी जबरदस्ती राज्य दिया, वो लेना नहीं चाहता है, तब बरवश लिखा है। नहीं, बरवश लिखने की क्या जरूरत थी भाई? सहज में अगर बेटा राज्य ले रहा है तो बरवश लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं नहीं, बेटा लेना नहीं चाहता है, प्रभुता के प्रति बेटे का भी आकर्षण नहीं है। महाराज मनु को बरवश मानी जबरदस्ती राज्य देना पड़ा। लेना पड़ेगा तुझे, लो, जबरदस्ती दिया। भैया ऐसे ही घर में, ऐसे ही परिवार में जानते हो ध्रुव जैसे भक्त होते। बोलो ध्रुव जी किस परिवार में हुए हैं, जल्दी बोलो। ध्रुव जी परम भक्त हुए हैं कि नहीं हुए? ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया, बोलो कर लिया कि नहीं कर लिया? क्यों? ध्रुव जी को भी प्रभुता के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, जबकि ध्रुव जी ही राज्य सत्ता के अधिकारी हैं। लेकिन ध्रुव जी का भी सत्ता के प्रति, प्रभुता के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, प्रभु के प्रति आकर्षण है। महाराज मनु राज्य को छोड़ना चाहते हैं, उत्तान पाद जी राज्य सहज में लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती राज्य दे दिया महाराज मनु। बरवस राज सुतही नृप दीना, जबरदस्ती राज्य दिया। एक राजा और अपने बेटे को राज्य देना चाहता है, और याद रखना उसका बेटा आगे चल करके रावण बन गया। वो अपने बेटे को राज्य देना चाहता है, त्याग करना चाहता है राज्य का, और बेटे को राज्य देना चाहता है, लेकिन बेटा क्या बन गया? रावण बन गया। महाराज मनु ने राज्य का त्याग किया तो महाराज मनु को राम मिल गए। और एक दूसरे राजा ने त्याग किया तो उसे रावण मिल गया। कारण क्या है कि एक राजा त्याग कर रहा है उसे राम मिल रहे हैं, दूसरा राजा त्याग कर रहा है उसे रावण मिल रहा है। बात क्या है, अंतर समझ लो। जिस राजा को रावण मिला है वो राजा है सत्यकेतु। सत्यकेतु का पुत्र प्रतापभान, प्रतापभान अगले जन्म में क्या बना? रावण बना। कारण क्या है? कोई मिस्टेक है, गलती है, इस गलती को सुधारो। याद रखना गलतियां होती जाएंगी तो राक्षसत्व आता जाएगा, और यदि गलतियों को सुधारोगे तो देवत्व आ जाएगा। अरे देवत्व की बात छोड़ो, संतत्व आ जाएगा। देवत्व से बड़ा संतत्व होता है। सत्यकेतु ये भी अपने बेटे को राज्य दे रहा है, महाराज मनु भी अपने बेटे को राज्य दे रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है, महाराज मनु ने बरवस राज सुतहि नृप दीना, मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दिया। सत्यकेतु ने जेठे सुतहि राज नृप दीना, इसका मतलब है कि सत्यकेतु ने बेटे से कहा कि बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा लाओ लाओ लाओ, एक बार भी उसने मना नहीं किया। लेकिन उत्तान पाद जी ने मना किया है, इसके बाद बार बार जिद कर रहे हैं। महाराज मनु कहते नहीं, राज्य लेना पड़ेगा तुझे, बरवस राज सुतेंद्र प्रति। बोलो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया?
प्रताप भान ने कहा कि मैंने मना कब किया है, लाओ मुझे दो राज्य। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है, नारी समेत गवन बन की ना। महाराज मनु अकेले नहीं जा रहे हैं, नारी समेत सत्यकेतु हरिहित आप गवन बन की ना। आप मनी अकेला जा रहा है, सत्यकेत के साथ में पत्नी नहीं जा रही है, अकेला जा रहा है। और महाराज मनु अकेले नहीं है, नारी समेत गवन मन की ना, पत्नी साथ में जा रही है। क्यों, अंतर आ गया कि नहीं आ गया? महाराज मनु का बेटा राज्य लेना नहीं चाहता है, मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दिया, और सत्यकेत का बेटा मना नहीं कर रहा है, उसने एक ही बार में राज्य ले लिया। महाराज मनु के साथ पत्नी जा रही है, लेकिन सत्यकेत के साथ पत्नी नहीं जा रही है, अकेला जा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी में विरोधाभास है। क्यों भाई, पति पत्नी में विरोधाभास है तभी तो पत्नी पति के साथ क्यों नहीं जा रही है? पति के साथ उसे जाना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। तीन जगत में ऐसे नाते होते हैं और तीन ऐसे तत्व होते हैं कि जिनके प्रति आकर्षण होता ही होता है। कौन कौन? जैसे पति पत्नी। अच्छा बोलो भाई, पत्नी का आकर्षण पति के प्रति होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन संतान यदि हो जाए तो बोलो संतान के प्रति भी उसका मोह जागृत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। अच्छा एक बात बताएं, आपको इसके बाद धन और मिल जाए तो धन के प्रति भी आकर्षण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा, हो जाएगा निश्चित रूप से। जिनके पास धन नहीं है उनकी पत्नियों से पूछो और उन पत्नियों से जाके पूछो कितना ताना बाना बुनती रहती हैं। जिनके पास धन नहीं है, क्या बतावे, हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है, लगता है कि ऐसे ही गरीबी में मर जाऊं, कुछ हाथ लगेगा ही नहीं, क्या बतावे, हमारे तो भाग्य ही फूट गए, जाने क्या क्या आए बाएं साए बकती हैं। सावधान, संपत्ति को सामने खड़ा कर दिया जाए, संतान को सामने खड़ा कर दिया जाए, संपत्ति के बगल में संतान खड़ी है और संतान के बगल में पति खड़ा हुआ है, तो सनातन धर्म कहता है कि पतिव्रता नारी यदि स्वीकार करेगी सबसे पहले इन तीनों में, धन संपत्ति पति इन तीनों में अगर स्वीकार करेगी तो पहले पति को स्वीकार करेगी, यही है नारी का पात्र, पहले पति को स्वीकार करेगी, संतान बाद में, धन बाद में। महाराज मनु जा रहे हैं राज्य का त्याग करके, लेकिन शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिया। महाराज मनु ने कहा कि तेरा बेटा राजा बन गया है, तू राजमाता हो गई, अब तू राजमाता बनकर के राज्य में रह, सम्मान मिलेगा तुझे, मुझे जाने दो। लेकिन नहीं, शत्रुपा जी ने कहा मुझे राजमाता वाला सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो आपके श्री चरणों की सन्निधि चाहिए, जहां भी आप रहेंगे मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राजमाता वाला सम्मान, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति और नहीं चाहिए मुझे संतान, जब तक पति मेरा जिंदा है मुझे तो पति की सन्निधि चाहिए और पति की सेवा करती रहूं बस।
यही मेरा संकल्प है। बोलो ये उत्कृष्ट सोच है कि नहीं? मैं कहता हूं जिस नारी की उत्कृष्ट सोच हो जाएगी, बस वह परमात्मा जगत में आएगा तो माँ की तलाश करेगा, और माँ के रूप में वो किसका वरण करेगा? जो नारी सदा सदा के लिए अपने पति के चरणों में समर्पित हो जाएगी, परमात्मा उसी की गोद को स्वीकार करेगा, उसी का लाल बनने के लिए तैयार होगा। संपत्ति वाले को भगवान नहीं मिलते हैं, वैभव वालों को भगवान नहीं मिलते हैं, जिनके जीवन में धर्म होता है उन्हीं को भगवान मिलते हैं। कौशल्या अम्बा को भगवान मिले हैं, शत्रुपा जी को भगवान मिले हैं, किसके कारण मिले हैं? पातिव्र धर्म के कारण मिले। इसलिए महान पतिव्रता है शत्रुपा जी। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में रहना ही नहीं चाहती हूं, आप जहां रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। वन की ना, लेकिन सत्य पे तो अकेला जा रहा है। जेठे सुतही राजनृपदीना, हरिहित आप गमन बन कीना। बड़े पुत्र को राज्य दिया, कहा मैं जा रहा हूं, चल दिया सत्य के, लेकिन पत्नी देखती रह गई, पति के साथ नहीं गई। बोलो भाई, अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? आगे चल करके स्थिति बिगड़ गई। ऐसी स्थिति बिगड़ी प्यारे कि सत्य के तो भजन कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन उसका बेटा जो है विश्व विजयी बनने के लिए प्रयत्नशील हो रहा है कि मैं क्या बन जाऊं, विश्व विजयी बन जाऊं। अच्छा, बन भी गया, ऐसी बात नहीं। कुछ लोगों ने सलाह दी कि यज्ञ करोगे तो यज्ञ के प्रभाव से विश्व विजयी हो जाओगे। उसने यज्ञ किया, नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवत चिंतन में रहो, आंखों में आंसू हो, भगवान के चरणों में रोज डालो आंसू, देखो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। कुंती जी ने आंसू डाले, द्रौपदी जी ने आंसू डाले, भगवान मिल गए। इसलिए आंसू संसार को मत दो, आंसू तो भगवान को दो। चरणों में आंसू डाल दिया करो। संसार के सामने रोगे, संसार उपहास करेगा, और भगवान के सामने रोगे, भगवान एहसास करेगा और तुम्हें एक दिन दर्शन देगा। इसलिए आंसू संसार के लिए नहीं है, ये आंसू भगवान के लिए। आज सत्य केतु रो रहा है भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन बेटा क्या कर रहा है? बोले यज्ञ तो कर रहा है, ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा है, साधु संतों का भी सम्मान कर रहा है, लेकिन आशीर्वाद में कामना क्या है कि हम मरे ना, हम बूढ़े ना हो, हमारे जीवन में दुख ना आवे। और एक बात आपको बताएं, सफलता तो मिल गई, विश्व विजयी हो गया, जितने राजा थे सबको पराजित कर दिया उसने। विंध्याचल क्षेत्र में गया, देखो विंध्यवासिनी माँ, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है तो विंध्यवासिनी माँ का भी स्मरण हो। खेलने के लिए गया, किसके पीछे भागा? सुअर के पीछे, सुअर के पीछे भागा। बोलो महाराज, भटक गया कि नहीं भटक गया? अरे शेर के पीछे भागना चाहिए था, तू विश्व विजयी हो गया, इतना बड़ा बलवान सम्मान मिल रहा है तुझे, लेकिन तू वीर है, वीरों में भी परम वीर हो गया, लेकिन तुझे किसके पीछे भागना चाहिए था? शेर के पीछे। लेकिन किसके पीछे भागा? सुअर के पीछे। और सुनो, सेना को दूर कर दिया, मंत्रियों को दूर कर दिया, सबसे दूर हो गया, वो अकेला भागा सुअर के पीछे, भटक गया।
असली संत मिलते थे लेकिन अब मिल गया नकली संत, कपट मुनि मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया, भटक गया कि नहीं भटक गया। सुअर के पीछे भागा, सुअर का पता नहीं कहां चला गया। मिल गया कौन? नकली मुनि मिल गया, और नकली मुनि के चक्कर में भटक गया। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो श्राप मिल गया कि नहीं मिल गया? जिसे वरदान मिलता था उसे आज श्राप मिल गया, और ऐसा श्राप मिला कि अगले जन्म में वो क्या बन गया? रावण बन गया। इसका मतलब है कि सत्यकेत की तपस्या विफल हो गई। बोलो भाई विफल हो गई तपस्या, हार गया कि नहीं हार गया? लेकिन मनु जी सफल हो गए, मनु जी जीत गए, और सत्यकेत हार गया। एक कारण मैं आपको बता दूं, वो स्पष्ट आप भी समझ लेंगे क्योंकि आप से के अनुभव से जुड़ा हुआ है। सत्य केतु अकेला गया है, पत्नी प्रतिकूल है, पति के अनुकूल नहीं है। महाराज मनु बोले पत्नी अनुकूल है, साथ में जा रही है। इसका मतलब है कि पति पत्नी में अनुकूलता होती है तो जीवन सफल होता है, और सफलता की जो परिणति आती है फलश्रुति, उसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलो भाई उसकी जो परिणति आती है वो क्या है? भगवत प्राप्ति। और जहां पति पत्नी प्रतिकूल होते हैं वहां सबसे बड़ी विडंबना यही आती है कि उसे परमात्मा नहीं मिलता है, उसे कौन मिलता है? राक्षस मिलता है, उसके जीवन में राक्षसत्व आ जाता है। प्राप्ति राक्षसत्व की होती है। और याद रखना, जहां पति पत्नी प्रतिकूल हैं वहां वातावरण विषाक्त तो है, और विषाक्त तो वातावरण के कारण संघर्ष है, और संघर्ष में ही राक्षसत्व है, दानवत्व है। लड़ाई झगड़ा जिस घर में होता है वहां बोलो दानव ही माना जाता है उन लोगों को कि नहीं? कौन लड़ रहे हैं? बोले राक्षस लड़ रहे हैं, दानव लड़ रहे हैं, देवता नहीं लड़ रहे हैं, राक्षस लड़ रहे हैं। पति पत्नी को प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। बस यही राम और रावण के जन्म के मूल में एक प्रसंग आता है बालकांड का, जो मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि द्वितीय दिवस की ये राम कथा है। कल भगवान का अवतरण होगा, प्रभु राम का जन्म। तो राम जी का जन्म का हेतु क्या होगा इसके बारे में कल मैं बताऊंगा, लेकिन आज आप सुने कि श्री राम आएंगे कैसे। रावण की आने की परिस्थिति मैंने बताई आपको कि प्रतापभान सुअर के पीछे भागा। सुअर का मतलब है गंदगी से प्रेम करने वाला जीव। सबसे ज्यादा गंदगी से प्रेम कौन करता है? सुअर करता है, गंदगी से प्रेम करने वाला जीव। याद रखना, अगर तुम गंदे लोगों के पीछे पड़ोगे, उनके साथ चलोगे, उनके पीछे चलोगे, तो बोलो क्या बनोगे? जल्दी बोलो, देवता बनोगे कि राक्षस बनोगे? गंदे लोगों के पीछे चलोगे तो राक्षस बनोगे। और आज ये सुअर के पीछे जा रहा है, क्या बन गया? आगे चल के राक्षस रावण बन गया। अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, अच्छी वाणी सुनना चाहिए, गुरु ग्रंथ की शरण में रहना चाहिए, हमारे अंदर देवत्व आ जाए। ये मार्ग कितना सुंदर है जो आपने चुना है कि यज्ञ के माध्यम से संतों का भी दर्शन हो रहा है, देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हो रहा है, सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है। बोलो वैकुंठ उतर के आ गया कि नहीं आ गया? इसको सामान्य सभा मत समझना, जहां अनेक संत मिलकर के दर्शन दे रहे हो वो वैकुंठ की सभा मानी जाती है, इसलिए ये शिवपुर वैकुंठ बन गया है। आज विफल हो गया सत्यकेतु, पुत्र ने सफलता प्राप्त की लेकिन अंत में विफलता हाथ लगी।
जैसे किसी के हाथ में फल हो और खाने का मन बनावे और गंदगी में चला जाए वो फल, तो बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाथ में आया और ग्रहण करने का मन बनाया और हाथ से निकल के वो गंदगी में चला गया फल। बोलो भाई कितना पश्चाताप होगा। यही हुआ प्रताप भान के साथ। लेकिन महाराज मनु आहा संतों के बीच में पहुंच गए कहां, नैमिषारण्य। पंथ जात पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भक्ति जन धरे शरीरा, पहुँचे जाए धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती मैया में स्नान किया, नैमिषारण्य तीर्थ मिल गया, साधु संतों का दर्शन हो गया, वाह प्रभुता का त्याग किया, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चल दिए तो प्रभु मिलेगा, परमात्मा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन पहले कौन मिल गए? महात्मा। पहले कौन मिले? महात्मा। कन्फर्म है कि परमात्मा मिलेगा? बिना महात्मा के परमात्मा मिलता ही नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा से जीवात्मा जुड़ने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। जैसे आप अपने घर का कनेक्शन डायरेक्ट पावर हाउस से जोड़ो तो जितने भी बल्ब होंगे, जितने भी मरकरियां होंगी, जितने भी आपके घर में लाइट विद्युत से संबंधित उपकरण होंगे सब फेल हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएगा कि नहीं? सफलता नहीं मिलेगी आपको। डायरेक्ट पावर हाउस से आपने जोड़ दिया, सब कुछ फ्यूज हो गया, खत्म। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खंभों से कनेक्शन लेना पड़ेगा। बिजली के खंभे लगे हैं ना, आपको यहां से कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप खंभे से कनेक्शन लेते हैं तो आपके घर की लाइट सुरक्षित है, प्रकाश सुरक्षित रहेगा, आप सफल हो जाएंगे। और डायरेक्ट आप सीधे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं तो आपके घर में अंधकार हो जाएगा, जितने भी बल्ब रॉड होंगे सब फ्यूज हो जाएंगे। जीवन संतों से जोड़ोगे अस्तित्व में रहेगा। ये संत क्या है? सनातन धर्म के स्तंभ हैं। यदि आप संतों से जुड़े रहोगे तो परमात्मा को एक दिन अवश्य आना पड़ेगा और परमात्मा को दर्शन देना पड़ेगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब तक साधु संतों से आप नहीं जुड़ेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ भगवान क्या कर रहे हैं? संतों से जोड़ रहे हैं आप। ये यज्ञ माध्यम बन गया। अब आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो ना भगवान का, तो विश्वास रखो आपको अनुभव हो जाएगा, भगवान मिलेंगे आपको। तुकाराम जी को कैसे भगवान ने दर्शन दिया? एकनाथ जी को कैसे दर्शन दिया? नामदेव जी को कैसे दर्शन दिया? बोलो दिया कि नहीं दिया? आप जैसे ही गृहस्थ तो थे वो, लेकिन भगवान ने दर्शन दिया कि नहीं दिया? दिया। दर्शन होता है भगवान का। मीराबाई को भगवान का दर्शन मिला? भगवान का दर्शन होता है तभी तो दर्शन मिला, नहीं होता हो तो कैसे दर्शन मिलता? विश्वास करना पड़ेगा आपको। विश्वास करोगे सफलता मिलेगी। महाराज मनु को विश्वास है कि हमें भगवान मिलेंगे। क्यों? संत मिल गए। पंथ जात सोहत मत धीरा और ज्ञान